ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज का क्या? आवाज तो कहीं ना कहीं से आती रहेगी। कुछ और बात करते हैं। अच्छा, तो तुम ही कुछ करके दिखाओ। Smooth operator, I like that. वैसे क्या करके दिखाने की बात कर रही है? विशाल, मैं कुछ ऐसा कर दिखाने की बात कर रही हूँ कि बाकी के प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल हो। यू नो, जब लोग सुने या देखे तो कहे कि वाह, क्या आशिक था। फिल्मी, वेरी फिल्मी। I'm serious. तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर तुम कहो तो मैं इस क्लिप से कूद जाऊँ। ऐसा ही कुछ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कूद जाओ। क्यों, डर गए? नहीं जैसिका, मैं डरा नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम डरपोक नहीं हो ना, तो इस एज पर खड़े होकर जोर से चिल्लाओ कि जैसिका आई लव यू। ओके। विशाल, तुम एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम डरपोक हो। जेसिका, आई लव यू। विशाल, संभालो अपने आप को। विशाल, संभालो अपने आप को। विशाल, मेरा हाथ पकड़ो। विशाल, मुझे ऊपर खींचो। विशाल, अंजलि, आज से मेरा ये नालायक बेटा मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया, संभाल के रखना। मॉम, आप भी। वेलकम होम, कम। अब अपने दाहिने पांव से इस कलश को अंदर की तरफ धकेलो और गृह प्रवेश करो। चिपकली को तो मैं अभी देखता हूँ। चिपकली का कलश गिराना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। पता नहीं कहाँ चली गई। छोड़ो, अंदर चलो। आओ अंजलि।
कलश का इस तरह गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। अंजलि तुम ये हॉरर फिल्में देखना बंद करो। विशाल, विशाल वो वही चिपकली थी, वो जो कलश के पास देखी थी ना। इस चिपकली को तो मैं अभी देखता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं वो चेहरा नहीं भूल सकती। विशाल, यहाँ कैसे आ गई? विशाल वो है, वो उसी शीशे में। अंजलि, अंजलि रिलैक्स, कूल डाउन, मैं यही हूँ ना। विशाल, क्या हुआ अंजलि? अजीब सा चेहरा। अंजलि, सुभान, वो औरत। कौन औरत? अंजलि ये कैसी बातें कर रही हो? वो चिपकली एक औरत है विशाल, वो औरत है। अंजलि, अंजलि क्या हुआ? अंजलि, अंजलि ये अजीब सी आवाज कहां से? अब अंजलि ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, उसे रेस्ट लेने दीजिए और मैंने दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन टेबल पर रख दिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो गिव मी अ कॉल। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको बात करती हूँ। इट्स ओके। वो चिपकली मुझे मारना चाहती है मॉम। ये क्या कह रही हूँ, चिपकली ये सब कैसे कर सकती है? भगवान, रुको मैं दवाई लाती हूँ। कोई बड़ी बड़ी अजीब सी बात थी उसमें माँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक मामूली चिपकली ऐसा कैसे कर सकती है। माँ, मुझे लगता है कि वह कलश भी उसी छिपकली ने गिराया था। विशाल तुम ये सब यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सुबह गृह प्रवेश के समय मैंने उसको देखा था। किसे देखा था? कामिनी को। कामिनी? वो तो मर चुकी है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए माँ। ये कैसे हो सकता है विशाल, वो मर चुकी है। भगवान किसी को ऐसी मौत न दे। मुझे लग रहा
शायद कामिनी वापस आ गई है। वो वापस कैसे आ सकती है? नहीं माँ, वो वापस आ गई है। देखो विशाल, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जेसिका की मौत भी इसी छिपकली की वजह से हुई थी। लेकिन लेकिन जेसिका तो ऊपर से गिर के मर गई थी ना? उस दिन एक छिपकली मेरे कंधे पे आ गिरी और जेसिका मुझे उसी से बचाने के चक्कर में वहां से गिर गई। माँ, मैंने उसकी बॉडी के पास एक बहुत बहुत अजीब सी चीज देखी। क्या अजीब सी चीज? मैंने देखा कि एक इंसान के रूप में छिपकली वहां खड़ी है। कि तुम क्या कामिनी छिपकली क्या करे जा रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि कामिनी ने दोबारा जन्म लिया है इस छिपकली के रूप में। एक छिपकली ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं कल ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाकर इस छिपकली को बाहर करती हूँ। मुझे लगता है मुझे अंजलि को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं विशाल, अंजलि को कुछ मत बताओ वरना। वरना क्या मम्मी? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बता नहीं सकती? हम दोनों तो ऐसे बात कर रहे थे। बोलिए ना मम्मी, ऐसी क्या बात है? कुछ भी तो नहीं अंजलि, वो क्या है ना कि मॉम और मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे थे। कॉन्फिडेंशियल बात? हाँ, क्या है ना कि तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि अगर बता देता तो सरप्राइज नहीं रहता। हाँ बेटा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ, ठीक है? ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? क्या विशाल मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? अंजलि संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। Just relax. आज इस घर से सारे कीड़े मकोड़ों की अर्थी जाएगी, देख लेना। अब आप अंदर आ सकती हैं मैडम, there's nothing to worry. Please, आइए। Thank God. ये रही आपकी सभी मुसीबतों की जड़। हमने इस घर को सभी छिपकलियों से मुक्त करा दिया है। Are you sure कि इस घर में और कोई छिपकली नहीं है? कोई शक? 10 साल से मैं पेस्ट कंट्रोल रहा हूँ, आज तक कोई भी छिपकली मेरे चुंगल से बची नहीं। छिपकली तो क्या, आदमी भी। हाँ,
ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा बोल गया, सॉरी। अब हम एक साल के बाद ही आपको अपना चेहरा दिखाएंगे। लाइए पैसे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो आज वाकई बहुत ही अच्छी कमाई होगी यार। चलो यार गाड़ी जल्दी चला ना, जल्दी घर पहुंचना है। अरे सर ये गाड़ी है, हवाई जहाज थोड़ी है। पता है पता है। सर हमने इतने सारे कीड़े मकोड़ों को मारा है, आपको डर नहीं लगता कभी किसी की हाय लग गई तो? अरे भाई ये कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं। देखना सर, एक ना एक दिन कोई जरूर बदला लेगा। कीड़े मकोड़े और बदला। सर, पता नहीं सर। सर, ये चिपकली यहाँ कैसे सर? अरे हाँ, ये चिपकली मेरे फॉग मशीन पर कैसे? जरा साइड में गाड़ी रोक, मैं देखता हूँ। चिपकलिया किस्सा खत्म हो गया। विशाल, विशाल क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? मैं हेलो जी बोल रही हूँ। विशाल, वो जो पेस्ट कंट्रोल वाले अभी भी यहां से गए, उनकी डेथ हो गई। ये सब क्या हो रहा है? चिपकली वापस आ गई, कामिनी का भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने, और वो पेस्ट कंट्रोल वालों की मौत। क्या हो रहा है ये सब? मुझे वसुंधरा से बात करनी पड़ेगी, वही मेरी मदद कर सकती है। हेलो, हेलो हेलो वसुंधरा, मैं विशाल। विशाल कैसे हो तुम? इतने दिनों के बाद फोन किया, सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कामिनी वापस आ गई है। कामिनी वापस आ गई? हाँ, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हो रहा है घर पे? कोई छिपकली आ गई है कहीं से। छिपकली? उसका कामिनी से क्या मतलब है? मतलब है वसुंधरा, वो कामिनी ही है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, वो कामिनी ही है।
किसका फोन था? पापा विशाल का फोन था। विशाल का? इतने दिनों बाद? उसकी तो शादी भी हो गई होगी। हाँ पापा, शादी तो हो गई, मगर मगर क्या, उसकी मम्मी चाहती थी उसकी शादी किसी और से हो, सो हो गई। अब क्या चाहिए उसे? बात इतनी सीधी नहीं है पापा, उसकी शादी में कोई बाधा डाल रहा है। कौन बाधा डाल रहा है? एक छिपकली। ये तुम क्या बोल रही हो, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? पापा, जिस बात का डर था वही हो रहा है। पापा ये छिपकली अचानक, ये पहले तो नहीं थी। बेटी तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? पापा मुझे आपको कामिनी के बारे में कुछ बताना है। कामिनी के बारे में? हाँ, कामिनी के बारे में। कामिनी ने मरने से पहले कहा था कि अगर विशाल किसी और से शादी करेगा तो का मतलब है कामिनी वो छिपकली जो विशाल को परेशान कर रही है? हाँ पापा, उस छिपकली में कभी कभी कामिनी का चेहरा दिखाई दे रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कामिनी को जाना ही होगा, वो इस दुनिया की नहीं रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं एक काम करता हूं। ये लो। पापा ये क्या है? इस किताब में एक तावीज है जो तुम्हारी मदद करेगा। कामिनी के साथ जो होना था वो हुआ, वो उसकी तकदीर में लिखा था। उसे विशाल की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। जाओ बेटी जाओ, जाके विशाल की मदद करो। जी पापा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहाँ रख दी मैंने वो तस्वीरें? जल्द से जल्द ढूंढकर मैं उन तस्वीरों को जला दूंगी। कहाँ से ये चिपकली और ये कामिनी मेरे विशाल की जिंदगी में आ गई? मुझे कामिनी को विशाल से मिलाना ही नहीं चाहिए था। कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैं उस कामिनी से मिली? ये चिपकली, फिर से ये चिपकली। इस चिपकली को चाहिए क्या? मेरे पास नहीं आना, मैं कह देती हूँ मेरे पास नहीं आना। चिपकली को चाहिए क्या? मेरे
पास नहीं आना, मैं कह देती हूँ मेरे पास नहीं आना। मॉम, क्या हो गया आपको? मम्मी, मम्मी कैसे हुआ ये? मम्मी, मॉम, मॉम ये क्या हुआ मॉम? विशाल, मैंने मम्मी की चीख सुनी तो मैं यहाँ पे आई, देखा मम्मी। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अंजलि, विशाल तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आओ, ऐसी हालत में हॉस्पिटल में तो नहीं लेके जा सकते। अंजलि, जिसे क्या? विशाल, नहीं जाओ विशाल, विशाल, मम्मी। क्या हो गया है माँ को? कामिनी सब बर्बाद। हेलो, हाँ डॉक्टर, मैं विशाल। कामिनी, कामिनी मुझे माफ कर दो, कामिनी, कामिनी प्लीज, कामिनी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूँगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अंजलि, अंजलि क्या मॉम? अंजलि क्या मॉम? मॉम, मॉम, अंजलि क्या मॉम? मॉम, मॉम, जो तुम कर रही हो ना, तुम ठीक नहीं कर रही, तुम्हें वापस जाना ही होगा। वसुंधरा, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ चली गई? मुझे जल्द से जल्द विशाल को ढूंढना है। आखिरी उम्मीद है।
विशाल, विशाल कहाँ हो तुम? विशाल कहाँ गया? Oh my God! कामिनी, तुम? तुमने कुछ कर तो नहीं दिया विशाल को? नहीं कामिनी, मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ओह माय गॉड, मुझे विशाल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ओह माय गॉड, अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, ये तो अंजलि की आवाज है। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि, विशाल मुझे बचाओ! अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ गया होगा विशाल? अंजलि, विशाल, विशाल मुझे बचाओ! अंजलि कहाँ गया होगा विशाल? मेरे ख्याल से कामिनी विशाल को मंदिर की तरफ ले गई होगी। अंजलि, अंजलि मैं आ रहा हूं। अंजलि, 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 अंजलि कहां हो तुम? अंजलि, अंजलि, ओह माय गॉड, अंजलि। कामिनी तुम? आओ विशाल, मैंने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कामिनी, अंजलि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसे प्लीज, इसे छोड़ दो। विशाल, अंजलि को भूल जाओ, वरना उसका भी वही हश होगा जो जैसिका का हुआ था। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, आओ और मुझसे शादी करो। कामिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम तो मर चुकी हो। कामिनी, अंजलि को छोड़ दो, अंजलि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अंजलि को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। विशाल, विशाल ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो विशाल को बहुत पहले करना चाहिए था, मुझसे शादी। कामिनी, कामिनी बंद करो ये सब। क्या बड़ी बहन होने के नाते तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? कामिनी प्लीज बंद करो ये सब, जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। चली जाओ वसुंधरा, चली जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें जला दूँ, चली जाओ यहाँ से। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या मिला तुम्हें जैसिका विशाल की माँ को मारकर? क्योंकि वो दोनों मेरे और विशाल के बीच में आ गए। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मर चुकी हो, तुम्हारी जगह अब यहाँ नहीं, दूसरी दुनिया में। तुम इस तरह विशाल और अंजलि की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इस दिन के लिए वसुंधरा मैंने बहुत सहा है और इस दिन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। बात नहीं होने दूंगी। विशाल, नहीं होने दूंगी। विशाल, विशाल ने अंजलि से शादी करके मुझे धोखा दिया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम इस तरह जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकती। विशाल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हें जाना ही होगा। वसुंधरा, तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन थी, अब तुम एक आत्मा। नहीं वसुंधरा,
अब तुम इस दुनिया की नहीं हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी तुम्हें। तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही होगा। कामिनी की आत्मा को शांति दे।